मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं देपालपुर के जलोदिया, पंथ, बेगंदा और हसनाबाद पिपलोदा गांव के तालाब को प्रशासन ने सूझबूझ से ग्रामीणों के सहयोग से फूटने से बचा लिया। वहीं प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े तालाब बनेड़िया जी का तालाब ओवरफ्लो होने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ जाने से उज्जैन जाने के सभी रास्ते बंद है। दरअसल लगातार बारिश से तालाब लबालब हो चुके थे और तालाब फूटने की स्थिति निर्मित हो रही थी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि किसी प्रकार से कोई जनहानि न हो उसी को देखते हुए तालाब का पानी जंगल और निचले इलाकों को पाल काट कर निकाला गया ताकि तालाब टूटे ना और ग्रामीण क्षेत्र या बस्तियों की ओर न जाए। वहीं प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बनेड़िया तालाब भी भरकर अब ओवरफ्लो हो रहा है जिसका मनमोहक नजारा दिखाई दे रहा है। वहीं लगातार क्षेत्रीय एसडीएम रवि वर्मा एवं तहसीलदार शेखर चौधरी ग्रामीण क्षेत्र में घूमकर जायजा ले रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कोई भी बिना वजह घर से ना निकले, कोई जरूरी काम हो तो ही घर से निकले या प्रशासन को अवगत कराए। बेटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। विगत 17 से 18 घंटे तक लगातार रेनफॉल हुई है देपालपुर तहसील में और इस पूरे अनुभाग में, तो उसके कारण सभी जल स्रोतों में पर्याप्त पानी आया है और विशेष तौर पर हमारे जो क्षेत्र के तालाब हैं उनमें सारे सभी फुल हो चुके हैं, तो सभी के वेस्टवेयर चालू हो गए हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर और जितनी बहुत सारी पुल पुलियाएँ भी हमारे क्षेत्र में डूब गई हैं तो उसी को लेकर हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सुबह से हम लोग बेगंदा, खजराया और अटाहड़ा ये सभी जगह के तालाब जहाँ जहाँ सूचनाएँ आई थी, ग्रामीणों को लग रहा था कि तालाब ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसका WRD की टीम के साथ भी हम लोगों ने विज़िट किया था और WRD की टीम ने भी उनको जहाँ पर टेक्निकल टीम ने देखा तो फिजिबल है, आज सुरक्षित है हमारे सभी जल स्रोत। और जहाँ जहाँ ऐसी ज़रूरत भी लगी है कि हमें पिपलोदा में लगा था तो वहाँ की स्थानीय जो लोग हैं उनकी मदद से उसका जंगल की साइड थोड़ा पानी निकाला है हमने, तो सभी अभी तो जलस्रोत सुरक्षित हैं। और तालाबों में चूंकि अब लगातार 17-18 घंटे पानी गिरे, लगभग 10 इंच पानी गिरा है, तो उसके कारण पानी बढ़ना स्वाभाविक है। मेरा आम जनमानस से भी यही अपील है इस संबंध में कि ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकले और ऐसी कोई भी पुलिया या नाला या पुल हो जिस पर पानी ऊपर से निकल रहा है तो उसमें अपनी सावधानी रखें, उसको पानी जब उसमें हट जाए उसके बाद ही उसे क्रॉस करें, अन्यथा ना करें। यही भी आम जनमानस से अपील है मेरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।